फ्रेंड्स, आज के वीडियो का टॉपिक है कैरेक्टर क्राफ्टिंग। एक नए राइटर को कैरेक्टर क्राफ्टिंग बहुत ही अच्छे से आनी चाहिए। अगर आप एक नए राइटर हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को कैरेक्टर क्राफ्टिंग करना बताऊंगा। कैसे एक नया कैरेक्टर बिल्डअप होता है, जब भी आप एक स्टोरी लिखते हैं तो कैसे उसके लाइक्स को, उसके डिसलाइक्स को, उसके फीचर्स को लिखा जाता है, वो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो कैरेक्टर क्राफ्टिंग जो है, ये आप सिंपल पेन से पेज में भी लिख सकते हैं, या फिर आप किसी स्क्रीन प्ले राइटिंग सॉफ्टवेयर में भी लिख सकते हैं, या फिर आप सिंपली एमएस वर्ड में भी उसे लैपटॉप या कंप्यूटर में टाइप कर सकते हैं। तो आप किसी भी तरीके से करें, आपको बस तरीका मालूम होना चाहिए कि किस तरीके से कैरेक्टर क्राफ्टिंग की जाती है, कैसे कैसे कैरेक्टर्स का फीचर्स और उसके नेम्स को, और भी उसकी कुछ जो विशेषताएं होती है जैसे लाइक्स डिसलाइक्स, उसका गोल क्या होता है, तो ये सब चीजें आपको लिखनी आनी चाहिए। तो मैं आप लोगों को सेल्टेक्स ऐप में ये करके बताऊंगा कैसे कैरेक्टर क्राफ्टिंग की जाती है उसमें। तो ज्यादा देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस। फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर फिल्म मेकिंग से रिलेटेड और भी बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, आप उन वीडियोस को भी देख करके अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। और हमारे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाकर ऑल पे सेलेक्ट कर ले, ताकि हमारी वीडियोस की सभी अपडेट्स आपको रेगुलर मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, चलिए फटाफट चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की ओर, जहां पर आपको मैं सिखाऊंगा कैरेक्टर क्राफ्टिंग कैसे की जाती है। फ्रेंड्स, हमारी एक वेब सीरीज चल रही है, उसमें दो कैरेक्टर्स है, किट्टू और दिलखुश के। तो उन दोनों कैरेक्टर्स को हमने यहाँ पर लिख करके रखा है आपके लिए। तो आप सबसे पहले एक काम कीजिए, आप उसका एक शॉर्ट वीडियो क्लिप देख लीजिए, ताकि आपको दोनों कैरेक्टर्स के बारे में थोड़ा सा अंदाजा हो जाए, तब आप इसे समझेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। तुम लेट आए ना, तुम्हारे लेट आने की सजा, चलो मेरा पैर दबा, चलो हटो। व्हाट इज दिस? मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरा सर दबा। सर दबाओ? थोड़ी देर पहले तुम्हारे पैर में दर्द हो रहा था, अभी तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है। कभी गला दर्द नहीं देता क्या? कहो तो उसे भी दबा दूं। एक झपड़ मारूंगी ना, सारी बात इसी बाहर आ जाएगी तुम्हारी। अगर आप फैशन वाली बीवी वेब सीरीज को देखना चाहते हैं तो उसके वीडियो का जो प्लेलिस्ट है, उसके लिंक मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में दे दूंगा, आप उसे देख लीजिएगा। और अभी आप समझिए कि कैरेक्टर क्राफ्टिंग कैसे की जाती है। तो चलिए देखते हैं। कैरेक्टर क्राफ्टिंग करने के लिए आपको उसका नाम लिखना रहता है, पूरा नाम लिखना रहता है, डिस्क्रिप्शन लिखना रहता है यानी उसके बारे में लिखना रहता है, फिर आपको उसका फिजिकल डिस्क्रिप्शन लिखना रहता है यानी वो देखने में कैसा है, फिर उसके बारे में लिखना रहता है कि वो उसका फिल्म में काम क्या है यानी कहानी जो है उसमें काम क्या है, वो किस तरीके से उस काम को अचीव करता है, कैसे वो अपने मकसद को पाता है, फिर आपको उसका बैकग्राउंड लिखना रहता है कि उसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, उसके हैबिट्स कैसे है, एजुकेशन कैसा है, लाइक्स कैसे है, डिसलाइक्स कैसे है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है। तो ये सभी चीज़ें मिल करके जो कैरेक्टर है वो बनाता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं किट्टू का कैरेक्टर। तो यहाँ पर किट्टू के कैरेक्टर में फुल नेम में लिखा हुआ है किट्टू, उसका फुल नेम हमने किट्टू ही दिया है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर लिखा हुआ है, अ वुमन हु इज शॉर्ट टेम्पर्ड एंड क्वेरल्स विद हर हस्बैंड इन स्मॉल मैटर्स बट शी लव्स हिम टू। यानी यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक ऐसे औरत का ये कैरेक्टर है जो बहुत ही गुस्से वाली स्वभाव की रहती है, और वो अपने हस्बैंड से बात बात पर झगड़ा करती है लेकिन वो उससे प्यार भी करती है। उसके बाद यहाँ पर आपको टैग्स लिखने रहते हैं कि वो किस तरह का कैरेक्टर है। यहाँ पर वो वुमेन है तो मैंने यहाँ पर अ वुमेन लिख दिया है। अगर कोई एनिमल का कैरेक्टर रहेगा तो आप वहाँ पर एनिमल भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर आप मीडिया डाल सकते हैं, उसके कोई फोटोग्राफ्स को डाल सकते हैं, या फिर जो एक्टर उसे प्ले कर रहा है उसके कोई फोटोग्राफ को आप डाल सकते हैं। यहाँ पर आप एक्टर का नाम डाल सकते हैं कि किस एक्टर ने इस कैरेक्टर को प्ले किया है या करने वाला है। उसके बाद आपको फिजिकल डिस्क्रिप्शन लिखना होगा जो कैरेक्टर है उसका, जैसे यहाँ पर एज लिखा हुआ है 25 ईयर्स, हेयर कलर ब्लैक लिखा हुआ है, हाइट 5 फीट 3 इंचेस लिखा हुआ है, डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स लिखा हुआ है यानी कुछ ऐसा फीचर जो उसमें थोड़ा अलग हो, तो उसमें लिखा हुआ है ऑलवेज क्वेरल्स विथ हर हस्बैंड, आइस कलर ब्लैक लिखा हुआ है, वेट 40 kgs लिखा हुआ है। फिर आप यहाँ पर देखें तो की कैरेक्टर ट्रेट्स लिखा हुआ है, तो इसमें कोई कैरेक्टर ट्रेट लिखना रहता है, तो यहाँ पर कुछ ऐसा कैरेक्टर ट्रेट किट्टू के कैरेक्टर में नहीं है इसलिए यहाँ पर नथिंग लिखा हुआ है। फिर उसके बाद आप और नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ द कैरेक्टर, यानी कैरेक्टर जो है वो किस तरह का कैरेक्टर है, तो यहाँ पर प्रोटागोनिस्ट लिखा हुआ है यानी वो मेन कैरेक्टर है। और
मेन कैरेक्टर है वो पॉजिटिव कैरेक्टर है, और यहाँ पर फिर आपको कैरेक्टर का गोल लिखना रहता है कि कैरेक्टर का गोल क्या है। तो यहाँ पर क्रिएटिंग फन बाय क्वेरलिंग विथ हर हस्बैंड, यानी किट्टू के कैरेक्टर का गोल है कि वो लोगों को हंसाती है अपने हस्बैंड से झगड़ा कर करके, यानी वो अपने हस्बैंड से फनी स्टाइल में झगड़ा करती है। फिर यहाँ पर कैरेक्टर का प्लान क्या है, वो गोल को किस तरह से अचीव कर रही है, यहाँ पर फनी क्वेरलिंग लिखा हुआ है। उसके बाद फैमिली बैकग्राउंड, उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपको उसका बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बताना होगा, कैरेक्टर के बैकग्राउंड के बारे में। तो यहाँ पर लिव्स विद हर हस्बैंड, यानी वो हस्बैंड के साथ रहती है, एजुकेशन हाईली एजुकेटेड। फिर लाइक्स में वो इसे क्या क्या चीज़ें पसंद है, जैसे रेस्टिंग आराम करना उसे पसंद है, स्पेंडिंग टाइम इन सोशल मीडिया लाइक व्हाट्सअप फेसबुक, उसे व्हाट्सअप फेसबुक में समय बिताना अच्छा लगता है। उसके बाद यहाँ पर हैबिट्स में आ जाते हैं, रेस्टिंग उसे आराम करना पसंद है। पर्सनैलिटी उसकी कैसी है, पर्सनैलिटी क्यूट है, फेयर है, ब्यूटीफुल है, यानी वो क्यूट दिखती है, गोरी दिखती है और सुंदर दिखती है। डिसलाइक्स में उसे क्या नहीं पसंद है, तो डूइंग हाउस होल्ड वर्क, उसे घर के काम करना पसंद नहीं है। तो ये जो एक कैरेक्टर बिल्डअप आप देख रहे हैं कि उसके पसंद क्या है, नापसंद क्या है, पर्सनैलिटी कैसी है, एजुकेशन कैसा है, फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, उसके फिजिकल अपीयरेंस कैसे है, तो ये सारी चीज़ें जो है ये मिल करके बनाता है कैरेक्टर। तो एक कैरेक्टर को आपने बिल्डअप करना सीख लिया। अब आ जाते हैं हम लोग दूसरे कैरेक्टर पर। दूसरा कैरेक्टर है वो है दिलखुश का कैरेक्टर। दिलखुश का कैरेक्टर जो है यहाँ पर देखिए फुल नेम लिखा हुआ है, तो फुल नेम हमने दिलखुशी यहाँ पर वेब सीरीज में रखा है इसीलिए यहाँ पर दिलखुशी लिखा हुआ है। और डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है अ फनी मैन हु वर्क्स इन एन ऑफिस, यानी एक फनी इंसान जो ऑफिस में काम करता है। ही इज अफ्रेड ऑफ हिज वाइफ एज शी इज वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड, वो अपने वाइफ से डरता है क्योंकि वो बहुत गुस्से वाली रहती है। अपार्ट फ्रॉम ऑफिशियल वर्क्स दिलखुश हैज टू लुक आफ्टर द हाउस होल्ड वर्क्स एंड ऑल्सो हिज वाइफ, यानी अपने ऑफिस के काम के अलावा दिलखुश को अपने घर के भी काम को देखना रहता है और अपने वाइफ की भी सेवा करनी रहती है। उसके बाद यहाँ पर आप चाहे तो एक्टर लिख सकते हैं कि कौन से एक्टर इसे प्ले करेंगे, फिर आप यहाँ पर एक मीडिया डाल सकते हैं, फोटोग्राफ वगैरह डाल सकते हैं, चाहे तो कैरेक्टर का डाल सकते हैं या फिर उस एक्टर का भी डाल सकते हैं जो उसे प्ले करेंगे। उसके बाद आ जाते हैं फिजिकल डिस्क्रिप्शन में। फिजिकल डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पर लिखना है एज, एज यहाँ पर 27 ईयर्स लिखा हुआ है, हेयर कलर ब्लैक लिखा हुआ है, हाइट 5 feet 5 inches लिखा हुआ है, डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कुछ अलग कैरेक्टर कुछ अलग फीचर, तो यहाँ पर लिखा हुआ है अफ्रेड ऑफ हिज वाइफ, यानी वो अपने वाइफ से बहुत ही ज़्यादा डरता है। आइज कलर ब्लैक, वेट 50 kgs। अब यहाँ पर लिखा हुआ है की कैरेक्टर ट्रेट्स, यहाँ पर की कैरेक्टर ट्रेट्स में ज्वाइंट आईब्रोज लिखा हुआ है क्योंकि जो दिलखुश का कैरेक्टर है उसके आईब्रोज जो है वो ज्वाइंट है। अब गोल ऑफ द कैरेक्टर, उस कैरेक्टर का मकसद क्या है, तो गेट रीड ऑफ इट्स वाइफ एंगर, यानी अपने वाइफ के एंगर से वो छुटकारा पाना चाहता है। उसके बाद कैरेक्टर्स प्लान टू अचीव द गोल, यानी कैरेक्टर किस तरीके से प्लानिंग करता है अपने गोल को पाने के लिए। तो यहाँ लिखा हुआ है ट्राइज टू मेक हर वाइफ हैप्पी बाय फॉलोइंग हर इंस्ट्रक्शंस ब्लाइंडली लाइक मेकिंग चपातीज, प्रेसिंग हर लेग्स एटसेट्रा, यानी वो अपने वाइफ को हमेशा खुश रखने की कोशिश करता है और उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है, जैसे रोटियां बना करके, उसके पैर दबा करके, तो इस तरह से वो अपने गोल को अचीव करने की कोशिश करता है। फिर यहाँ पर आ जाते हैं कैरेक्टर बैकग्राउंड पर। कैरेक्टर के बैकग्राउंड में आपको फैमिली बैकग्राउंड लिखना रहता है कि वो अपने वाइफ के साथ रहता है, यहाँ पर हमने लिखा है एजुकेशन में हाईली एजुकेटेड पर्सन लिखा हुआ है क्योंकि वो ऑफिस में काम करता है, तो जाहिर सी बात है कि वो एजुकेटेड होगा। लाइक्स में वॉचिंग टीवी, लिसनिंग म्यूजिक, जैसे कि हमने एक एपिसोड में दिखाया भी है कि जो दिलखुश है वो बैठकर टीवी देख रहा है। उसके बाद यहाँ पर हैबिट्स लिखा हुआ है, हैबिट्स में क्या है, एंटरटेनिंग हिमसेल्फ व्हेनेवर फ्री फ्रॉम हिज हाउसहोल्ड वर्क्स, यानी जब भी वो अपने घर के कामों से फ्री होता है तो वो अपने आप को एंटरटेन करने की कोशिश करता है। फिर पर्सनैलिटी, क्यूट हैंडसम पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी में यहाँ पर लिखा हुआ है क्यूट हैंडसम पर्सनैलिटी। उसके बाद डिसलाइक्स, डिसलाइक्स क्या क्या है उसके, क्वेरल विथ हिज वाइफ, यानी उसे अपने वाइफ के साथ झगड़ा करना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ मिल करके कैरेक्टर बैकग्राउंड, फिर से कैरेक्टर का गोल क्या है, किस तरीके से वो गोल को अचीव करता है, क्या उसका फिजिकल डिस्क्रिप्शन है, क्या लाइक्स है, क्या डिसलाइक्स है, तो ये सारी चीज़ें मिल करके एक कैरेक्टर बनाता है। और ये दो कैरेक्टर्स को आपने समझा कि किस तरीके से कैरेक्टर को क्राफ्ट किया जाता है, उसे बिल्ड किया जाता है। आई होप कि आप अगर कोई स्क्रीन प्ले राइटिंग सॉफ्टवेयर में भी करते हैं तो आसानी से कर लेंगे, या फिर आप इसे वर्ड में भी टाइप करते हैं तो आसानी से आप लिख करके कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर फुल नेम ऑलरेडी लिखा हुआ है तो आपको बस करना क्या होगा, आपको वहाँ पर फुल नेम लिखना होगा, दिलखुश लिख देना होगा, यानी कैरेक्टर का नाम लिख देना होगा, फिर डिस्क्रिप्शन लिख करके आपको फिर उसका डिस्क्रिप्शन लिख देना होगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। पर अगर आप कोई स्क्रीन प्ले राइटिंग सॉफ्टवेयर को यूज़ करेंगे कैरेक्टर क्राफ्टिंग के लिए तो थोड़ा आपका काम ईजी हो जाएगा।
तो फ्रेंड्स, आज आपने कैरेक्टर क्राफ्टिंग को बहुत ही बारीकी से समझा, और अगर अभी भी आपके मन में किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। सो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ जो फिल्म मेकिंग से रिलेटेड होगी। तब तक के लिए बाय बाय।